पटना में इंटरमीडिएट रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने बेली रोड को जाम किया। वहीं यातायात को बाधित कर रहे छात्रों पर पुलिस के साथ धक्कमुक्की हुई, जिसके बाद सभी छात्रों को जबरन हिरासत में लेकर यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया। बता दें कि रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर छात्र 3 जून से इंटर काउंसिल गेट पर भूख हड़ताल पर हैं। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छात्रों की मांग है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जाए। साथ ही शिक्षा मंत्री और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर को बर्खास्त किए जाने की भी मांग कर रहे हैं छात्र। जो इंटर के परीक्षा फल में इतने लार्ज स्केल पे 8 लाख छात्र फेल हो गए हैं, सरकार को चाहिए था कि इस पूरे मामले की एक तो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करनी चाहिए थी, और छात्रों का बहुत मिनिमम डिमांड है कि उनके कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो जाना चाहिए, रीचेकिंग हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहाँ हम लोग हैं, हम लोग जो भी एम्बुलेंस है या कोई मरीज पीछे हम लोगों को दिख रहे हैं तो हम उन लोगों को आगे बढ़ने दे रहे हैं। हम लोग उतने संवेदनशील हैं, हम नीतीश कुमार की तरह नहीं हैं। अगर कोई मरीज है तो उनको हम लोग आगे बढ़ने दे रहे हैं। AISF के छात्र के सभी लोगों ने आके तारामंडल के पास बेली रोड दोनों फ्लैंक को इन लोगों ने जाम कर दिया था। हम लोग इन लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे थे कि ट्रैफिक को किसी भी तरह आप लोग व्यवधान उत्पन्न करें। पटना का बेली रोड मेन रोड है, सभी लोग फंसे हुए हैं, बच्चे लोग फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस फंसा हुआ है, पब्लिक फंसे हुए हैं। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट हुई, कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट किया लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के। संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। नीरज, वामपंथी छात्र संगठन के सदस्य सड़क पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर, इंटर रिजल्ट को लेकर यह हंगामा थमता नहीं दिख रहा। बात है दीपक की, जब से इंटर का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ है तब से कहीं ना कहीं छात्रों और छात्र संगठनों का लगातार हंगामा जारी है, और आज इसी कड़ी में 8 छात्र संगठनों ने पटना के तारामंडल के समीप बेली रोड को करीब 1 घंटे तक पूरी तरह से जाम रखा। साफ तौर से छात्रों का आरोप है कि सरकार ने जो मूल्यांकन की है, बोर्ड ने जो इस बार के इंटर कॉपियों के मूल्यांकन की है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और इसी कारण जो है 8.5 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। और इसी आरोप को लगाकर करीब पिछले 8-10 दिनों से लगातार छात्र और छात्र संगठनों का बदस्तूर हंगामा जारी है, और आज इसी कड़ी में जो है पटना के तारामंडल के सामने जो रास्ता है बेली रोड, उसको पूरी तरह से AISF, आईसा, ऑल इंडिया DSO और कई अन्य छात्र संगठनों ने साफ तौर से जाम किया है, और वहां से आने जाने वाली दोनों तरफ की गाड़ियों को रोक करीब 1 घंटे तक रोके रखा है। आलम ये था, आपको बताऊं दीपक, कि इतनी गर्मी के बीच में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर बीच सड़क पर लेट जा रहे थे, हाथों में झंडा बैनर पोस्टर था, और साफ तौर से छात्र जो थे इतनी गर्मी में तपती हुई सड़क पर लेट कर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। हालांकि मौके पर पुलिस थी, पूरी तत्परता के साथ पुलिस मौजूद थी, कोशिश कर रही थी पुलिस की जो जल्दी ही ये जाम छुड़ाया जाए, पर कहीं ना कहीं छात्र जो है मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस के साथ छात्रों और छात्र संगठनों की नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने जो अभी हम साफ तौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और छात्र हैं पुलिस के साथ नोकझोंक करते नजर आए हैं, वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को रोकते नजर आए। तो जाहिर तौर से ये जो इंटर काउंसिल में मूल्यांकन, इस बार का इंटर का जो मूल्यांकन हुआ है, ये मामला थमने का नाम ले रहा है। आए दिनों छात्र हो या छात्र संगठन हो, मूल्यांकन में धांधली का आरोप लगाकर बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार जो है कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सोई हुई है। हालांकि इस बाबत छात्र संगठन शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो छात्र की मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, उन पर जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद कुछ होता नहीं दिख रहा है, और इसी से कहीं ना कहीं छात्र संगठनों में और ज्यादा आक्रोश, और आज इसी आक्रोश को लेकर 8 छात्र संगठनों ने पटना के तारामंडल के पास जो बेली रोड है, जो बेली रोड का रास्ता है, उसे जाम कर रखा। 1 घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया गया है इन छात्र संगठनों द्वारा, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोतवाली थाने द्वारा कई छात्र संगठन के कार्यकर्ता और छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। और दीपक, मैं अभी आपको ताजा जानकारी दे दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे कोतवाली थाने के थानेदार से बात हुई है, DSP से बात हुई है, शिवली नुमानी जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, साफ तौर से उन्होंने बताया है कि कुछ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को अराजकता फैलाने के, रोड जाम करने के
के इंजाम में गिरफ्तार किया गया था। अभी से चंद मिनट पहले उन सबको कोतवाली थाने से छोड़ा गया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरह से इंटर काउंसिल इंटर का मूल्यांकन हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में रोष बना हुआ है। सरकार पक्ष को चाहिए था कि इन छात्रों को कहीं ना कहीं एक आश्वासन या पूर्ण जो एक एक कहा जा सकता है कि छात्रों को समझाने के लिए एक फरमान जारी करे या एक आदेश जारी करे। ना मुख्यमंत्री है इस बाबत कोई बोलते नजर आते हैं और शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा मंत्री छात्रों को आश्वासन तो देते हैं। छात्रों का साफ तौर से आरोप है दीपक कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री आश्वासन तो देते हैं और आश्वासन देने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका आक्रोश आज बेली रोड पे भी देखने को मिला है। जी धन्यवाद निरंजन जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।